मनुष्य पुरुषार्थ करके भयंकर वीर हो सकता है अथवा पुरुषार्थ करने वाला वीर होता है। इसके अलावा जो उत्तम उत्तम अन्न खाता है वह भी उत्तम वीर होता है। ऐसा वीर शिरस्त्राण धारण करके शस्त्रास्त्र लेकर शत्रुओं का वध करता है। यह इंद्र इतना महान है कि अपनी शक्ति से सब लोकों में व्याप्त है, सर्वत्र प्रकाशित होता है। अतः न इसके समान कोई उत्पन्न हुआ, न है और न आगे होगा ही। यह अद्वितीय और अकेला शाश्वत काल से विश्व को चला रहा है। स्वामी दाता को मानवों के योग्य भोजन देता है। स्वामी अपने सेवकों के लिए जीवन वेतन देता है। जो ऐसा देता है वही सच्चा और श्रेष्ठ स्वामी होता है। अतः जिसके पास बहुत धन हो उसे चाहिए कि वह उस धन को श्रेष्ठ मनुष्य को दे। सरल भाव से कर्म करने वाला गायों के झुंडों का दान देवे। सैकड़ों प्रकार का बहुत धन दोनों हाथों में लेकर लोगों को देवे ताकि सज्जन मनुष्य उस धन का उपभोग कर सकें। बल को बढ़ाने के लिए और धन की वृद्धि के लिए अपने साथियों के साथ आनंद प्रसंग के समयों में सहभागी होते रहें। इसी प्रकार संगठित होकर हम एक दूसरे के रक्षक हों। स्वामी कंजूस मनुष्यों के सुरक्षित रखे धन को जानता है, अर्थात उसे प्राप्त करके सबकी भलाई के लिए प्रयुक्त करता है। हे इंद्र, तू हमसे पराये के समान व्यवहार मत कर, तू हमें मीठी वाणी वाला कर। हम सदा एक दूसरे के साथ मधुरता का व्यवहार करें। इस प्रकार हम एक दूसरे को मित्र बनाकर संगठित होकर रहें। मीठी वाणी बोलने से सभी मित्रता का व्यवहार करते हैं। बुद्धिमान जन जिसका अन्न खाते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, पर दुर्जन अपने अन्नदाता से ही ईर्ष्या एवं द्वेष करते हैं। हे इंद्र, तू अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोड़ और उस रथ में अन्न एवं अन्य धन धान्य को भरकर अपने भक्तों के पास जा और उन्हें अन्न देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर। हे वीर, हर एक मनुष्य तुझे एवं तेरे घोड़ों को धान्य एवं जल से भरे हुए पात्र अर्पित करता है। जो ऐसा करता है वही तेरी कृपा का पात्र होकर तेरे साथ तेरे सुखदायी रथ पर बैठता है और गौवें प्राप्त करता है। हे इंद्र, तू अपने रथ के द्वारा यज्ञ में आ, उसका अवलोकन कर। उसके बाद अपने घर में जाकर अपनी प्रिय पत्नी के पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें कर और अपने घर में आनंद से रह। इंद्र की सुरक्षा से सुरक्षित हुआ मनुष्य घोड़ों और गायों के झुंड प्रथम प्राप्त करता है। जिस प्रकार नदियों का सभी जल समुद्र की ओर बहकर अंत में उसी में जाकर मिल जाता है, उसी तरह सब तरह का धन इंद्र से सुरक्षित मनुष्य को मिलता है। हे इंद्र, जिस प्रकार उत्तम शुद्ध जलों के पास लोग प्रेम से जाते हैं उसी तरह तेजस्वी और दिव्य लोग यज्ञ के पास जाते हैं। वे यज्ञ स्थान को जाते हैं। देवों की भक्ति करने वाले हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होकर प्रथम रहते हैं और वे सदा उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं। जो सदा अन्नादि से इस वीर इंद्र की सेवा करता है वह युद्ध करने के लिए उपयुक्त न होने पर भी अर्थात निर्बल होने पर भी इंद्र की सुरक्षा से सुरक्षित रहकर पुष्ट होता जाता है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा उसे मंगलकारी शक्ति मिलती है। अंगिरा ऋषियों ने अग्नि प्रदीप्त करके उत्तम यज्ञ करते हुए उसमें अन्न की प्रथम आहुतियाँ दी। इसके फलस्वरूप इंद्र ने उन्हें प्रसन्न होकर पणि आदि असुरों से उनकी गायें एवं धन छीनकर अंगिराओं को प्रदान किया। अथर्वा ऋषि ने यज्ञ के द्वारा सबसे प्रथम धर्म का यज्ञ मार्ग फैलाया। अंगिरा ने अग्नि प्रदीप्त करके उसमें अन्न की आहुतियां देकर यज्ञ करने की विद्या प्रथम सिद्ध की और अथर्वा ने इस यज्ञ का चारों ओर खूब प्रचार किया। तदनंतर कवि पुत्र उष्णा ने यज्ञ में गौवों के घृत आदि का हवन करना, गोदुग्ध का सोम में मिलाना आदि पद्धतियों का प्रचार किया। यज्ञ करने वालों के घर में दर्भ काटकर उनके आसन बनाकर बिछाए जाते हैं। सूर्योदय के पश्चात वेद मंत्रों का घोष किया जाता है। वहाँ प्रशंसनीय कारीगर कुशलता से यज्ञ कर्म करता है। ऋषि मंत्रों का गान करते हैं और सोम कूटने के पत्थरों का शब्द होता है। इस इंद्र को इसके घोड़े यज्ञ स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ यह इंद्र सोम पीता है।
तब जिस प्रकार सूर्य की किरणें आकाश को व्याप्त करती हैं, उसी प्रकार इसके शरीर के प्रत्येक अवयव में सोम का उत्साह भर जाता है। हे वृत्र के नाश करने वाले इंद्र, तू रथ पर चढ़कर बैठ। इस रथ में जुड़े हुए घोड़े तुझे सोम यज्ञ की तरफ ले चलें और सोम कूटने के पत्थर की आवाज तुझे अपनी ओर आकर्षित करे। तब यज्ञ में जाकर तू अपनी तरफ बहकर आने वाली सोम रस की धाराओं को पी। हे मनुष्यों, तुम इंद्र की पूजा करो और उसके लिए स्तोत्र पढ़ो। उस बलशाली इंद्र को नमस्कार करो, क्योंकि यह इंद्र बड़ा महारथी है। इसके बल की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न कोई घुड़सवार ही है। यह इंद्र अकेला ही शत्रुओं का मुकाबला करता है, पर सब शत्रु मिलकर भी इस एक इंद्र की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा बलशाली यह इंद्र शत्रुओं के धन को छीन कर वह धन दानशील लोगों में बांट देता है। यह इंद्र दान न देने वालों का बड़ा कट्टर शत्रु है और वह उन्हें बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है, तथा जो उदार हैं उनकी प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनता है। इसी प्रकार राजा अपने राष्ट्र में अदानशीलता और कंजूसी को कभी न पनपने दे। प्रजाओं में उदार मनोवृत्ति का उदय हो, इस बात का ध्यान राजा हमेशा रखे। यह इंद्र देवों में सर्वोपरि है, इसलिए यज्ञ करने वाले देवों के मध्य में सदा इसी की पूजा करते हैं। पूजित होकर यह इंद्र भी यज्ञ करने वालों को सदा बल से युक्त करता है। इंद्र के राज्य में सोमादि वनस्पतियों की अत्यधिक विपुलता है, इसलिए इन वनस्पतियों को खाकर गाय हृष्ट पुष्ट होती हैं। इंद्र इन गायों से अत्यधिक सुशोभित होता है। इसी प्रकार राष्ट्र में गायों के लिए वनस्पतियों की कमी न रहे, राष्ट्र की गायें हृष्ट पुष्ट हों। राजा इन हृष्ट पुष्ट गायों के बीच में अत्यधिक सुशोभित हो, अर्थात राष्ट्र में सर्वत्र हृष्ट पुष्ट गायों का संचार हो। गायें इंद्र का प्रेम पूर्ण स्पर्श पाकर बहुत पुलकित हो जाती हैं और उसे प्रेम से अपना दूध देती हैं। इस प्रकार वे गायें राष्ट्र के शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए और उन पर घातक वज्र को चलाने के लिए इंद्र को तैयार करती हैं। अपने स्वामी का प्रेमपूर्ण स्पर्श पाकर गाय प्रसन्न मन से ज़्यादा दूध देती है। प्रसन्न मन से दिए गए दूध को पीने वाला अवश्य बलवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गाय राज्य को बसाने वाली होती है। गायों के दूध द्वारा राष्ट्र की प्रजाएं बलवान होती हैं और वे स्वराज्य या स्वातंत्र का संरक्षण करती हैं। अतः स्वराज्य के संरक्षण का मूल कारण गायें हैं। इनका दूध बुद्धि को बढ़ाने वाला है। गौ दूध पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इस प्रकार गायें प्रेम से अपना दूध देकर इंद्र को बलशाली बनाती हैं और इंद्र भी अपने पराक्रम से इन गायों की रक्षा करता है। इस इंद्र ने मनुष्य को धारण करने वाली शक्ति से असंख्य शत्रुओं को मारा और अनेक पर्वों के मध्य में रहने वाली शीघ्रगामी बुद्धि को प्राप्त किया। तब बाहु शक्ति और बौद्धिक शक्ति से युक्त होकर वह इंद्र इतना बलशाली हो गया कि उसका प्रतिकार करने में कोई समर्थ नहीं हुआ। इसी तरह बुद्धि बल और बाहु बल में प्रवीण राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। सदा गति करने वाले चंद्रमा में रहने वाला प्रकाश बड़ा आनंददायी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य हमेशा प्रगति करता रहता है वह तेजस्वी और प्रकाशमान होता है। सदा सत्य मार्ग पर चलने वाले कार्य में तत्पर तेजस्वी अत्यंत क्रोधी तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं पर प्रहार करने वाले पर भक्तों को सुख देने वाले प्रगतिशील वीरों को इंद्र के सिवाय और कोई दूसरा अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए जो इंद्र की सेवा करता है वही जीवित रहता है। इंद्र से शत्रुता रखने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। इंद्र जब युद्ध में अपनी कुशलता दिखाता है और अपने शस्त्रों को चलाता है, तब कौन भाग रहा है और कौन कट रहा है, कौन डर रहा है, कुछ भी नहीं जान पड़ता। उस समय तो केवल इंद्र ही चारों ओर दिखाई पड़ता है और उस समय सब लोग हाथी ऐश्वर्य और शरीर सुख की कामना को छोड़कर इंद्र की प्रसन्नता की ही कामना करते हैं। इतना शक्तिशाली इंद्र है। लोग हवि और घी से इसी अग्रणी इंद्र की पूजा करते हैं। ऋतु और स्त्रुचा से भी इसी इंद्र को हवि देते हैं। इस प्रकार जो यज्ञादि करते हैं उन्हीं को देव धन देते हैं और वही तेजस्वी इंद्र को जानता है।
हे सबको प्रिय लगने वाले शक्तिशाली ऐश्वर्यवान इंद्र, तू तेजस्वी है, अतः हमारी प्रार्थना सुन और हमें हर तरह का सुख दे, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई सुख देने वाला नहीं है। हे इंद्र, तेरी रक्षा में हम सदा रहें, क्योंकि तू ही श्रेष्ठ मनुष्यों का रक्षक है। अतः तू दुष्टों से धन को छीनकर हमें दे। प्रगतिशील तथा शुभ कार्य करने वाले ये पुरोगामी वीर बाहर निकलते समय महिलाओं की तरह अपने आप को संवारते हैं और खूब बन ठन के प्रयाण करते हैं। उनकी प्रगति के लिए यथेष्ट स्थान मिले, इसलिए पृथ्वी एवं आकाश का सृजन हुआ है। भूचर शत्रुओं की धज्जियां उड़ाने वाले ये वीर युद्ध का अवसर उपस्थित होते ही अतीव उल्लसित एवं प्रसन्न हो उठते हैं। लड़ाई का मौका आने पर इन वीरों का दिल हरा भरा हो जाता है। सचमुच ये वीर युद्ध में विजयी बनकर स्वर्ग में अपना घर तैयार कर देते हैं। वे परमात्मा की उपासना करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं तथा मातृभूमि के कल्याण के लिए धन वैभव की वृद्धि करते हैं। वे अपनी जगह रहकर तथा उचित कार्य करके बड़प्पन प्राप्त करते हैं। गौ एवं भूमि को माता मानने वाले वीर आभूषणों तथा हथियारों से निजी शरीरों को खूब सजाते हैं, और चूंकि वे शत्रु दलों का संहार करते हैं, अतएव उन्हें पौष्टिक अन्न पर्याप्त रूप से मिलता है। श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले मन के समान वेगवान तथा बलिष्ठ हों। संघ में जीवन बिताने वाले वीर शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज बन रथ पर चढ़ जाते हैं और सुदृढ़ शत्रुओं को भी जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं। मरुत मेघों को गतिशील बना देते हैं, इसलिए वर्षा का प्रारंभ हो जल समूह से समूची पृथ्वी आर्द्र हो उठती है। फुर्तीले घोड़े तुम्हें इधर लाएं, तुम जैसे शीघ्रगामी अपने बाहु बल से तेजस्वी बनकर इधर आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा विस्तृत स्थान यहाँ पर तैयार कर रखा है। इधर पधार कर तथा आसनों पर बैठकर मिठास से पूर्ण अन्न या सोमरस का सेवन कर हर्षित बनो। वीर अपनी शक्ति से बड़े होते हैं, अपनी कर्तृत्व शक्ति से स्वर्ग तक चढ़ जाते हैं और अपने बल से विशाल जगह पर प्रभुत्व प्रस्थापित करते हैं। ऐसे वीर हमारे यज्ञ में शीघ्र ही पधारें। ये वीर सच्चे शूरों की भांति लड़ते हैं, योद्धाओं के समान शत्रु सेना पर आक्रमण कर बैठते हैं। कीर्ति पाने के लिए लड़ने वाले वीर पुरुषों की भांति ये रणभूमि में भारी पराक्रम करते हैं। जैसे राजा लोग तेजस्वी दीख पड़ते हैं, ठीक वैसे ही ये हैं, इसलिए सभी इनसे अतीव प्रभावित होते हैं। अत्यंत निपुण कारीगर ने एक वज्र नामक शस्त्र तैयार किया, जिसकी सहस्त्र धाराएं या नोक विद्यमान थे और जिस पर शोभा के लिए सुनहली पच्ची कारी की थी। इंद्र ने उस श्रेष्ठ आयुध को पाकर मानव जाति में बारंबार होने वाली लड़ाइयों में शूरता की अभिव्यंजना करने के लिए उसका प्रयोग किया। जल स्रोत पर प्रभुत्व स्थापित करके ढकने वाले तथा घेरने वाले शत्रु का वध करके सबके लिए जल को उन्मुक्त कर दिया। ऊंचे स्थान पर पाए जाने वाले तालाब का पानी मरुतों ने नहर बनाकर दूसरी ओर पहुंचा दिया, और नहर की खुदाई करते समय राह में जो पहाड़ रुकावट के रूप में पाए गए थे उन्हें काटकर पानी के बहाव के लिए मार्ग बना दिया। इतना कार्य कर चुकने पर सोमरस को पीकर बड़े आनंद से उन्होंने साम गायन किया। इन वीरों ने टेढ़ी मेढ़ी राह से नहर खुदवाकर झील का पानी अन्य जगह पहुंचा दिया और ऋषि के आश्रम में पीने के जल का विपुल संचय कर दिया, जिसके फलस्वरूप गौतम की पानी की आवश्यकता पूर्ण हो गई। इस भांति ये तेजह पुंज वीर दल बल समेत तथा शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण हो इधर पधारते हैं और अपने भक्तों तथा अनुयायियों की लालसाओं को तृप्त करते हैं। त्रिविध धारक शक्तियों से जो कुछ भी सुख पाए जा सकते हैं उन्हें वे वीर श्रेष्ठ कार्यों को शीघ्रता से निभाने वाले के लिए उपयोगार्थ देते हैं। हमारी लालसा है कि हमें भी वे सुख मिलें तथा उच्च कोटि के वीरों से रक्षित धन हमें प्राप्त हो। अभिप्राय इतना ही है कि धन तो अवश्यमेव कमाना चाहिए और उसकी समुचित रक्षा के लिए आवश्यक वीरता पाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए।
तेजस्वी वीर लोग जिस मानव के घर में सोम को ग्रहण करते हैं वह अवश्यमेव सुरक्षित रहेगा, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। यज्ञों के अर्थात कर्मों के द्वारा तथा ज्ञानी लोग की सुमतियों यानी अच्छे संकल्पों के द्वारा जो प्रार्थना होती है सो तुम सुनो। यदि वीर ज्ञानी के अनुकूल बने तो उस ज्ञानी पुरुष को बहुत सी गौवें पाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिन दिनों में यज्ञ प्रचलित रखे जाते हैं तब सोमरस का सेवन तथा साम गान का श्रवण जारी रहता है। जो वीर पुरुष समूची मानव जाति को तथा विद्वन मंडली को अन्न की प्राप्ति हो इस हेतु शत्रु दल का पराभव करने की चेष्टा करके सफलता पाता है उसी वीर के यश का गान लोग करते हैं और उस गुण गरिमा गान को सुनकर श्रोताओं में स्फूर्ति का संचार हो जाता है। कृषकों तथा सभी मानव जाति की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक गुण या शक्तियां हैं उनसे युक्त बनकर हम पहले से ही दान देते आए हैं या किसानों तथा अन्य लोगों की संरक्षण क्षम शक्तियों के द्वारा सुरक्षित बन हम प्रथमतः दानी बन चुके हैं। वीर पुरुष जिसके अन्न का सेवन करते हैं वह मनुष्य सचमुच भाग्यशाली बनता है। ये वीर सच्चाई के भक्त हैं अतः बलवान हैं। जो जल्दी चलने के कारण पसीने से तर होते हैं या लगातार काम करने से थके मादे होते हैं उनकी सेवा करने वालों की इच्छाएं ये वीर पूर्ण कर देते हैं। ये वीर सच्चे बलवान हैं। इनका वह बल प्रकट हो और उसके फलस्वरूप सदैव कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का नाश हो। मेरा विनष्ट करके तथा कभी तृप्त न होने वाले स्वार्थी शत्रुओं को हटाकर सभी जगह प्रकाश का विस्तार करना चाहिए। शत्रुओं को हतबल करने वाले बल से पूर्ण अच्छे वक्ता सदैव अपना मस्तक ऊंचा करके चलने वाले एक ही विचार से आचरण करने वाले सोम का सेवन करने वाले सेवनीय तथा प्रमुख नेता बन जाने की क्षमता रखने वाले वीर वस्त्रालंकारों से सजाए जाने पर सूर्य किरणवत सुहाते हैं। जिस वक्त तुम किसी भी राह से आकर हमारे निकट आने वाले लोगों में एकता प्रस्थापित करते हो संगठन करते हो तब तुम्हारे रथों में रखे हुए धन भंडार हमें संपत्ति से निहाल कर देते हैं। हम पर मानो धन की सतत दृष्टि सी करते हैं। तुम लोग भी भक्त एवं उपासक को स्वच्छ जल एवं निर्दोष जल पर्याप्त मात्रा में देते हो। जिस समय ये वीर जनता का कल्याण करने के लिए सुसज्ज हो जाते हैं उस समय इनके शत्रुओं पर टूट पड़ने से मारे डर के समूची पृथ्वी थरथर कांप उठती है। ऐसे अवसर पर खिलाड़ी चपल तेजस्वी शस्त्रास्त्र धारण करने वाले तथा शत्रु को विकंपित करने वाले वीरों की महनीयता प्रकट हो जाती है। यह वीरों का संघ युवा स्वयं प्रेरक वलिष्ठ सत्यनिष्ठ उऋण होने की चेष्टा करने वाला प्रशंसनीय तथा सामर्थ्यवान है। इस कारण से इस संसार पर प्रभुत्व प्रस्थापित करने की क्षमता पूर्ण रूपेण रखता है। हमारी इच्छा है कि इस भांति का यह समुदाय हमारे कर्मों तथा संकल्पों में हमारी रक्षा करने वाला बने। अगर विश्व में विजयी बनने की एवं जगत पर स्वामित्व प्रस्थापित करने की लालसा हो तो उपयुक्त गुणों की ओर ध्यान देना अतीव आवश्यक है। श्रेष्ठ परिवार में उत्तम हुए हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि सोम की आहुति देते समय मुंह से अर्थात जिह्वा से भी देवताओं की सराहना करनी चाहिए। शत्रु दल को विनष्ट करने के लिए जो युद्ध छेड़ने पड़ते हैं उनमें इंद्र को स्फूर्ति प्रदान करते हुए ये वीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। उन नामों से उनकी कर्तृत्व शक्ति प्रकट हुआ करती है। ये वीर जनता सुखी बने इसलिए भूमि में पृथ्वी मंगल पर बड़ा भारी यत्न करते हैं और यज्ञ में हविष्यान्न का भोजन करने वाले सुंदर विरोचित आभूषण पहनने वाले कुठार हाथ में उठाकर शत्रु दल पर टूट पड़ने वाले निर्भयता से पूर्ण वीर अपने प्रिय देश को पाकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अपने शस्त्रास्त्र रथ रणचातुरी के द्वारा वीर पुरुष अच्छा अन्न प्राप्त करें और ऐसी आयोजना ढूंढ निकालें कि वह सबको यथावत मिले। वीर पुरुष समूची जनता का श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए अपने रथों को हथियारों तथा अन्य विशेष आयुधों से भली भांति सज्ज करके सभी स्थान में संचार करें।